this is the equation of EM wave. अच्छा मैंने एक प्रॉब्लम करा दी थी ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पर। बस एक शायद लास्ट पार्ट रह गया था। अच्छा क्वेश्चन दिया था मुझे, बताओ क्वेश्चन क्या था। मैंने अनम्यूट कर दिया, कोई एक बता दो मुझे क्वेश्चन क्या था। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या थी? 20 साइन 10x माइनस 100 टी जे कैप। कैलकुलेट करना है एप्सिलॉन ई नोट आरएमएस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बी नोट इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले चाहिए E नॉट। तो अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज E इज 20 साइन एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी जे। सो पीक वैल्यू इज सिंपली 20। जो पीक वैल्यू है ईएमएफ की, दैट पीक वैल्यू इज 20। दूसरा आरएमएस वैल्यू चाहिए। देखो ईआरएमएस कैलकुलेट करने का वही तरीका है जो आपने पहले सीखा था, इट्स ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट। सो ईआरएमएस इज 20 बाय रूट 2। थर्ड अरमान और क्या करवाना था? वेवलेंथ के से चल सकते हैं। के होता है 2π/λ और ये दिया हुआ है आपको 10। तो यहां से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स 2π/10। सो इट्स 2 × π, पाई इज 3.14/10। भाई लैम्डा आ जाएगा 3.14, 6.28, 0.628। ये वेव होता है 0.628। वेवलेंथ के बाद फोर्थ पार्ट देगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा आपको 100 रेडियन। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर। अब ओमेगा को आप लिख सकते हैं, ओमेगा इज 2π𝜈 व्हिच इज 100। तो यहां से न्यू आ जाएगा, इट्स 100/2π। इसके बाद फाइनली क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगी जी, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक। सो देखिए E नॉट बाय B नॉट का रेशियो हमने लिखा था, दैट इज इक्वल टू C। तो आप यहां से लिख सकते हैं B नॉट आ जाएगा E नॉट ओवर C। तो B नॉट आ गया E नॉट विच इज 20, C इज 3 × 10⁸। तो इतना टेस्ला। सो B नॉट इज बेसिकली इट्स 2/3 × 10⁻¹⁷। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद जो सिक्स्थ क्वांटिटी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन चाहिए। देखिए वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। EM wave is propagating along plus x axis
जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आप ऐसे लिखोगे, बी इज बी नॉट साइन 20x माइनस 100t के का। तो ये आप ऐसे लिखेंगे, बी नॉट जो है आपका ये आ जाएगा 2/3 इंटू 10^-7 साइन 20x माइनस 100t के। This is the equation of magnitude. चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं शाहीन, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों के परपेंडिकुलर। -7 अभी शाहीन ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर होती है ना, कराया था यहां वेव जा रही है, ये इलेक्ट्रिक म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और ये राइट हैंड थंब रूल फॉलो करेगी। अभी समझ में नहीं आया यार क्या पूछ रहे हो। अच्छा 10x यार, सॉरी 10x यस 10x। शाहीन प्रोपगेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है ना, ये जो 10x लिखा है के का कोफिशिएंट लिखवाया था प्रोपगेशन का डायरेक्शन होता है, ये जो 10x लिखा हुआ है यही तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। सो इट्स 10x। ये जो x है ना ये बता रहा है कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग x एक्सिस। निशान स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट निशान सबने लिख लिया। यस सर। So, एक तो ये क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ ईएम वेव के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव में बस एक चीज और रहती है विच इज एनर्जी डेंसिटी। Energy density of EMU.
देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने साथ कुछ एनर्जी लेके जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने साथ कुछ एनर्जी जाती है। उसमें दोनों तरह की एनर्जीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी। ईएम वेव हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड hence it have electric as well as magnetic energy. तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी भी है और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होगी इट्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपको कैपेसिटर में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होती है कि अगर किसी रीजन में फील्ड है, देखो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये सब आपने कैपेसिटर में किया था। एक बार और समझा रहा हूं, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर आप एक रीजन ले लें जो रीजन 1 मीटर क्यूब का रीजन हो, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी जिसे लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है या वेरी करती है, बताइए। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है या वेरी करती है, बस एक शाइन पड़ती है ना, वेरी करेगी। तो यहां पर जब वेरी करती है तो हम ईआरएमएस वैल्यू यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ईआरएमएस। अब आप चाहो तो ई आर एम एस को आप कन्वर्ट कर दो ई नॉट में। क्या रिलेशन होता है ई आर एम एस और पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम बताओगे नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ई बाय अंडर रूट टू, ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। ऐसे थोड़ा बहुत तुम भी अपना दिमाग चलाओगे तो कुछ चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। सो ये आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट टू द स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। अब इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप 1 मीटर क्यूब एरिया ले रही हैं तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी होगी। और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, चलो भूल गए होगे ये तो आप लोग, इट्स बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये आपने किया था इंडक्टर में, इट्स हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। अब फिर से बताइए मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर रही है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अरे कुछ तो सीखा करो, कुछ पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, आप वेरी कर रही है, क्या यूज किया था यहाँ, वहीं से रिलेट करने की कोशिश किया करो चीजों को। बी आर ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है बी आर। अब आप एक काम और कर सकते हैं, आप इस बी आर एम एस को ऐसे लिख दीजिए, बी नॉट डिवाइडेड बाय
तो अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी 1/2 μ0 बी आर में स्क्वायर, विच इज बी नॉट बाय √2 का स्क्वायर। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया बी नॉट स्क्वायर बाय 4 μ. इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप एक चीज और प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एक्चुअल में इक्वल आती है। प्रूफ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आर इक्वल। उसके लिए आप ऐसे चलो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं, बी नॉट स्क्वायर बाय 4, इसे मैं कहता हूं 4। मुझे कोई ऐसी इक्वेशन प्रॉपर्टीज में ढूंढ के दिखाओ, प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास लिखी होंगी, जहां से आप बी नॉट को ई नॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। ढूंढिए जरा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढिए जिससे आप बी नॉट को ई नॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो शाइन को मिला, और किसी को नहीं मिला ना, कॉपी सामने है फिर भी नहीं मिल देता। चलिए गुड, मिला कुछ लोगों को। E नॉट बाय बी नॉट सी मिला, तो बी नॉट आ गया E नॉट ओवर सी। चलिए अब मुझे एक काम करिए, एक चीज और बताइए, क्या कहीं से आपको कोई रिलेशन मिल रहा है जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और सी को रिलेट कर दे? रिलेशन जो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और सी को रिलेट कर दे। अरे प्रॉपर्टीज में तुम्हें ये नहीं दिख रहा? हाँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, सो 1/μ0 आ गया, फाइव और सिक्स को फोर में रखो और बताओ मुझे क्या मिल रहा है। इसमें रख दो फाइव और सिक्स को फोर में और मुझको बताओ क्या मिल रहा
चलो गुड, कुछ लोगों के आंसर्स तो आए, सब ट्राई करो. बस तीन लोगों ने कराया कैलकुलेट. सब्स्टिट्यूट करना है भाई, तुम्हें दिख जाएगा ये कुछ नॉन क्वांटिटीज के इक्वल. तो देखिए जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आएगी 1/4 ई नॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. 1/μ0 को आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन. ये कैंसिल हो गया. सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट. क्वेश्चन नंबर 6. सो देखिए जरा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. अब इसके बाद वो आपसे एक चीज और पूछ लेता है. वो आपसे कहता है कि टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालिए. टोटल एनर्जी डेंसिटी. सो टोटल एनर्जी डेंसिटी इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी तो खुद इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की. तो आप लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. सो इट्स 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर. तो टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/2 εnot ई नॉट. अब यही टोटल एनर्जी डेंसिटी आप मैग्नेटिक की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. मैग्नेटिक की टर्म्स में आ जाएगी 1/2 β₀² / β₀. तो ये तो एनर्जी डेंसिटी है ईएम वेव. मुझे यहां तक बताइए कोई परेशानी होगा. ओके चलिए इसको रब करते हैं. और रुक जाइए सर. E naught इलेक्ट्रिक फील्ड, जीशान पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव परमिटिविटी. चलिए इसको रब कर, रमान रब कर दूं. यस सर. अब इसके बाद इंटेंसिटी आती है.
इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. Perpendicular to area. So intensity calculate करने के लिए पहले आपको total energy calculate करनी होगी EM wave. छोटी सी calculation है मुझे बताते हुए चलिए. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने एक सिलेंड्रिकल रीजन लिया है. एरिया ए है सिलेंड्रिकल रीजन का और यहां आपकी वेव प्रोपेगेट कर रही है, ईएम वेव प्रोपेगेट कर रही है. EM wave means light wave, मान लीजिए c speed से जा रही है. तो distance कितना cover किया होगा wave ने time t में, ये आप लिखेंगे. c speed of wave. बताने शुरू करूं, सब मैं नहीं करूंगा क्या आपके. चलिए यहां तक सही है, ये डिस्टेंस कवर किया विच इज सी डेल्टा. अब मुझे बताओ अगर एरिया ए है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा ईएम वेव, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा. EM wave जो volume cover करेगा, yes, volume होता है area of cross section multiplied by time, a delta t volume होता है, volume cover किया हुआ है a delta, sorry not a delta t, volume is area of cross section into distance ac. यहाँ जो small u है, that's energy density. Of EM wave. Energy density का मतलब होता है energy per unit volume. Total जो energy होगी
एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. सो टोटल एनर्जी हो गई यू इंटू ए सी डेल्टा. ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन. अब अगर इसी में यहां तक बताइए क्लियर हुआ इतना फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन. यस सर. सिंपल सी कैलकुलेशन है. अब जो इंटेंसिटी होती है ना इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो टू को अगर मैं थ्री में रख दूं आई हो जाएगा यू इंटू ए सी डेल्टा टी बाय ए इंटू डेल्टा. ए से ए कैंसिल हो गया डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल. इंटेंसिटी आ गया यू इंटू सी. एनर्जी डेंसिटी ऑफ ई एम वेव मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ वेव. चलिए इतना लिखिए. इतना हुआ. और याद रखिएगा ये जो एनर्जी डेंसिटी है टोटल है. इट्स इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. लिखिए इतना. चलिए नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट छोटी छोटी एक क्वेश्चन करो. आपको इंटेंसिटी दी है ईएम वेव इज हंड्रेड वॉट पर मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट फर्स्ट ई नॉट सेकेंड बी नॉट. तो देखो हिंट ये है कि इंटेंसिटी होता है एनर्जी डेंसिटी इंटू सी. टोटल एनर्जी डेंसिटी हमने लिखा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी. यहां से इक्वेट कर लो ई नॉट निकाल के देखो और ई नॉट आ जाए ई नॉट बाय बी नॉट सी होता है वहां से बी नॉट आ जाए.
आई की वैल्यू है ना 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर, अरे ई नॉट ही तो निकालना है। देखो अगर मैं यहां वैल्यूज रखू, आई इज 100, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर से इधर अगर मल्टीप्लाई कर दू तो इट्स 200 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू सी इज ई नॉट स्क्वायर। सो योर ई नॉट इज रूट ओवर 200 by epsilon naught. So your E naught is root over 200 by epsilon naught, which is 8.85 into 10 raised to the power minus 12, 3 into 10 raised to the power. Yeah, see E naught again. इसको अगर मैं calculate करूँ by 8.85 into 3 into 10 raised power 4. इसे आप सॉल्व कर लीजिए, इतना वोल्ट पर मीटर की आपकी फील्ड आ गई, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो आप E naught by B naught equal to C से आप B naught कैलकुलेट कर सकते हैं, which is E naught. भाई मैं लिख नहीं रहा, मुझे मैं ये कैलकुलेट नहीं कर रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इंटेंसिटी दे देगा, इंटेंसिटी से आपसे चीजें कैलकुलेट करवा लेगा। देखिए इतना
वॉट पर मीटर स्क्वायर। इट्स वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखिए, इंटेंसिटी के बाद मोमेंटम है ईएम वेव के लिए। अब ये सब कुछ डेफिनेशंस है बस, ये बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ। मोमेंटम इज यू बाय सी, टोटल एनर्जी डेंसिटी बाय स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम के बाद है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेव। So pressure exerted by wave is intensity divided by c, where c is speed of it. अच्छा, इसके बाद देखिए एक ही चीज बचती है, विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, गामा रेस से लेकर और रेडियो वेव्स, जितनी भी वेव्स हैं इन सब की आपको फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी होती है। इन सब की आपको वेवलेंथ रेंज याद रखनी होती है, आपको प्रोडक्शन याद रखना होता है, ये प्रोड्यूस कैसे होंगी, डिटेक्शन आपको याद रखना होगा और इसके यूजर्स याद रखें। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स के क्वेश्चंस उठाकर देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। मतलब ये वो चीज है जो मैं नहीं करा सकता, सिर्फ आपको याद करनी है। आप एनसीईआरटी उठाओ या कोई और बुक उठाओ, उससे आपको ये सब याद रखना है हर वेव के लिए सारी चीज। तो ये ईएम वेव कंप्लीट हुआ, फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई आपकी, इतना लिखिए। लिखा इतना, यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स। सो ऑप्टिक्स मैं आज शुरू नहीं करता, ट्यूजडे से ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। देखिए सेकंड बुक में बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है। आप निशान ये कि डिटेक्ट कैसे करेंगे, इस हर टाइप की वेव को डिटेक्ट करने के तरीके अलग होते हैं।
ऑप्टिक्स में आज स्टार्ट नहीं कर रहा, ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे ट्यूजडे। सेकेंड बुक में सिर्फ ऑप्टिक्स है, बाकी ज्यादा बाकी जो चैप्टर्स है उसका मेजर पोर्शन कट चुका है। सिलेबस रिवीजन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मेजर पोर्शन आपका सिलेबस का खत्म हो गया। चलिए आज इसे यहीं छोड़ते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे ट्यूजडे। अस्सलाम वालेकुम सर।